राजा रघुवंशी एआईएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी वीडियो देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्केल और स्केल के टाइप्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्केल को बनाने के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर याद रखने पड़ते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है आपका आर एफ फैक्टर। आर एफ फैक्टर आर एफ इक्वल टू होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है इट इज द रेशियो ऑफ ड्राइंग साइज टू एक्चुअल साइज। अब ड्राइंग साइज क्या कहलाता है और एक्चुअल साइज क्या कहलाता है? ड्राइंग साइज वो साइज कहलाता है जिसको हम मेजर मान के चलते हैं, जितना हमारे ड्राइंग बुक में हम इसे इजीली बना सकते हैं। और एक्चुअल साइज आपका पोर्शन में निकल जाता है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी रहती है। उसके बाद आपका आता है LOS। LOS फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्केल। इसका फॉर्मूला होता है LOS इक्वल टू RF फैक्टर इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड आपको या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगी या फिर आपको अज्यूम करके चलना पड़ता है। इसके बाद आपके आते हैं फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल में जो आपकी RF फैक्टर की वैल्यू होती है वो बन के इक्वल होती है, मतलब RF आपके फैक्टर जो आपको स्केल बनाने के लिए याद रखना पड़ता है।